नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार कार्यक्रम और रीडिंग कैंपन दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है, कौन सा कार्यक्रम किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि जो बेसिक अंतर है। कई शिक्षक साथियों के कमेंट भी थे कि सर ये कार्यक्रम इसके अंतर्गत है क्या। तो साथियों, दोनों कार्यक्रम अलग अलग हैं, इसीलिए ये खास वीडियो बनाया गया है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे कि जो दोनों कार्यक्रम हैं उनकी समझ पूर्ण रूप से बन सके। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्टार कार्यक्रम है वो कब शुरू हुआ। तो यहाँ पर जो स्टार कार्यक्रम है वो 21 से 22 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, और चलेगा कब तक, ये सत्र के अंत तक ये चलेगा। और रीडिंग कैंपेन की हम बात करेंगे, 1 जनवरी 22 से अप्रैल 22 तक ये 100 दिन चलेगा, अर्थात 14 सप्ताह चलेगा। उसके बाद में बात करते हैं किसके द्वारा ये संचालित है। तो जो स्टार कार्यक्रम है वो तो राजस्थान सरकार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो बीकानेर है, साथ ही RSCERT जो संस्था है उदयपुर, उसके द्वारा समग्र रूप से संचालित है। जबकि जो रीडिंग कैंपेन है वो केंद्र सरकार का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा एक मिली जुली पहल है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि उद्देश्य क्या है दोनों प्रोग्राम्स के। तो जो स्टार प्रोग्राम है वो 1 से लेके 8 तक उपचारात्मक शिक्षण, साथियों यहाँ उपचारात्मक शिक्षण से मतलब है कि जो कोविड काल है उसमें जो बालक हैं वो ऑनलाइन पढ़े थे, आप सभी जानते हैं, तो जो गैप्स रह गए थे उनको कंप्लीट करवाने के लिए ये शिक्षण है। साथ ही पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना और समय सीमा इसमें बनाई जाएगी। उसके बाद में नवीन वेब ऐप, जो पहले व्हाट्सएप क्यूज होता था वो अब नवीन वेब ऐप के द्वारा क्यूज होता है, तो उसके द्वारा ये भी एक उद्देश्य है। पाठ्यक्रम की जो रिवीजन है उसका भी एक उद्देश्य है इसमें स्टार प्रोग्राम में। बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो टेस्ट प्रैक्टिस हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। अब हम बात करते हैं रीडिंग कैंपेन की। तो रीडिंग कैंपेन मुख्य रूप से जो बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए जो निपुण भारत है उसके द्वारा शुरू हुआ है। 3 से लेकर 9 वर्ष के आयु तक के विद्यार्थियों को सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम चलाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर सभी विद्यार्थियों को बुनियादी स्तर तक पढ़ना लिखना व अंक गणित का ज्ञान कराना आवश्यक है, ये इसका बेसिक वो है मोरल। बालवाटिका आंगनबाड़ी केंद्र में अध्ययनरत 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनसे लेकर 8वीं कक्षा तक के जो बालक बालिका हैं उनको बुनियादी स्तर का जो ज्ञान है वो देना इसका लक्ष्य है। उसके बाद में कक्षाएं कौन कौन सी भाग ले सकती हैं। कक्षाओं में जो स्टार प्रोग्राम है उसके उपचारात्मक शिक्षण में 3 से लेकर 8 तक और 1 से लेकर 12 तक के बालकों को अभ्यास करवाया जा रहा है। बोर्ड कक्षा 8, 10 और 12 के लिए 20 फरवरी और 22 तक, गैर बोर्ड कक्षा के लिए 25 मार्च तक संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट करवाने की इसमें एम रखा गया है। गृह कार्य व क्विज में 100% विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करवाने का भी एम है इसमें। वितरित वर्कशीट को हल करवाना, व्हाट्सएप ग्रुप में डालना और पोर्टफोलियो तैयार करना,
वो मुख्य रूप से इसमें किया जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं रेडिंग कैंपेन की। तो रेडिंग कैंपेन में जो बाल वाटिका से दो कक्षा तक है उसका तो समूह एक बनाया जाएगा। समूह दो में कक्षा 3 से लेकर 5 तक के बालक बालिका आएंगे और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बालक बालिका समूह है 3 में यहाँ रखे जाएंगे। तो ये है रीडिंग कैंपेन की बात। दोबारा से हम रुख करते हैं गतिविधि जो संचालित की जाएगी स्टार प्रोग्राम में। तो यहाँ स्टार प्रोग्राम में 21 से लेके 24 जनवरी के मध्य जो कार्य पुस्तिका में दिए गए अंतिम पंक्ति का मूल्यांकन है, एंड लाइन टेस्ट, वो तैयार किया जाना है। एंड लाइन मूल्यांकन के आधार पर ग्रुपिंग की जाएगी और विद्यार्थियों को उसके प्रदर्शन के आधार पर समूहित करने के बाद सीखने के स्तर के हिसाब से कार्य पत्रकों को हल करने का निर्देश दिया जाएगा। रीडिंग कैंपेन की हम बात करते हैं तो बाल वाटिका आंगनबाड़ी केंद्र में अधीनरत 5 से 6 वर्ष की जो आयु की बालक बालिका हैं से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों द्वारा साप्ताहिक गतिविधियों द्वारा उनका रिकॉर्ड करना और गतिविधि के फोटो वीडियो जिला और ब्लॉक स्तर पर बने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके ऊपर शेयर करना, इसका मुख्य वो रहेगा। तो साथियों ये जो पीडीएफ तैयार की गई है ये मेनली आपको समझाने के लिए तैयार की गई है। यदि कुछ त्रुटि की संभावना होती है तो जो विभागीय आदेश है उनको ही आप सर्वोपरि माने। दूसरी बात, इसमें जो गतिविधि शेयर करने के लिए ब्लॉक स्तर पर ग्रुप बनाए जाएंगे, गतिविधि कैसे शेयर करनी है ये हमारे चैनल पे एक वीडियो के माध्यम से समझाया गया है, तो आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आगे आने वाली शिक्षा विभाग की जो न्यूज है वो भी आपको समय पर मिल सके। बेल आइकन को दबाना न भूलें साथियों, जिससे कि करंट नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।